हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एवीएम ऑनलाइन क्लासेस। बेटा प्रीवियस क्लासेस में हमने किया था डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन। पैरामीट्रिक फंक्शन क्या था कि भाई वाई और एक्स दोनों ही एक ही वेरिएबल के फंक्शन थे, फॉर एग्जांपल टी और ये दोनों टी के थे। तो हमने इसका डेरिवेटिव किया था टी के रिस्पेक्ट, डी वाई बाय डी टी फाई डैश टी और डी एक्स बाय डी टी। फिर हमने इसको इससे डिवाइड किया था, डी वाई बाय डी टी कितना आएगा, फाई डैश टी, और डी एक्स बाय डी टी कितना आएगा, साई डैश टी। अब हम इसको इससे डिवाइड करते हैं तो डी वाई बाय डी एक्स आएगा दिस अपॉन में दिस। अब बेटा देखो, यदि आप जिसका डेरिवेटिव करते हैं, हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में किया था, जिसका डेरिवेटिव करते हैं वो एज ए न्यूमरेटर में और जिसके रिस्पेक्ट करते हैं वो डिनोमिनेटर में आता है, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। भाई जिसका करते हैं आप वो तो न्यूमरेटर में और जिसके रिस्पेक्ट करते हैं वो नीचे। अब यहाँ पर यदि आप इसका डेरिवेटिव इसके रिस्पेक्ट करें तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो ये होना चाहिए डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वेयर कर रहे हैं भाई और जिसके रिस्पेक्ट करेंगे वो नीचे डी एक्स क्यूब। लेकिन यदि ऐसे करने लग गए तो बहुत टिपिकल हो जाएगा। कैसे बेटा, देखो जैसे वाई इक्वल टू एक्स है तो डी वाई बाई डी एक्स करूँ तो क्या आएगा, वन आएगा। लेकिन यदि मैं वाई इक्वल टू एक्स क्यूब है, अब इसको एक्स क्यूब के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करना है तो डी वाई बाई डी एक्स क्यूब क्या आएगा, वन आएगा। ये तो चलो ठीक हो गया, लेकिन यदि और कोई पावर हो गई जैसे मान लिया एक्स स्क्वेयर हो गया, फिर कैसे करेंगे हम, फिर तो लेंथ ही हो जाएगा, टिपिकल टाइप का हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, जिसका डेरिवेटिव करना बेटा उसको हम वाई सपोज कर लेते हैं, लेट वाई इक्वल टू एक्स किया, और जिसके रिस्पेक्ट करना है उसको हम जेड सपोज कर लेते हैं, तो जेड इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, अब बेटा हम डेरिवेटिव करेंगे, क्या करेंगे आप इसका डेरिवेटिव। तो अब हमने इसका डेरिवेटिव इसके रिस्पेक्ट करना है, y का डेरिवेटिव z के रिस्पेक्ट करना है, तो जिसका करना है वो तो न्यूमरेटर में और जिसके रिस्पेक्ट करना है वो नीचे, यानी डी जेड। जिसका करना है वो तो ऊपर, जिसके रिस्पेक्ट करना है वो नीचे, यानी हमने डी वाई बाय डी जेड निकालना है। तो ये क्वेश्चन किस तरह से बन गया, जो प्रीवियस एक्सरसाइज है उसके तरह बन गया कि पैरामीट्रिक फंक्शन के तरह। यहाँ पर दोनों टी में थे, ये दोनों यहाँ पर किस में है, एक्स में है। तो यहाँ पर हम डेरिवेटिव करेंगे तो डी वाई बाय डी एक्स कितना आएगा, टू एक्स। यहाँ पर कितना आएगा, डी जेड बाय डी एक्स कितना होगा, थ्री एक्स स्क्वेयर। फिर हम इसको इससे डिवाइड कर देते हैं तो डी वाई बाय डी जेड इज इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वेयर अपॉन में टू एक्स, एक एक्स कैंसिल तो थ्री बाय टू एक्स ये आ गया, दैट्स ऑल। इसी तरीके से बेटा नेक्स्ट है क्या, यदि हमने इसका डेरिवेटिव, अब जैसे मैंने ये करने लग गया था वाई इक्वल टू एक्स की क्यूब का, इसका डेरिवेटिव एक्स की रिस्पेक्ट करना था, एक्स क्यूब की रिस्पेक्ट, तो वन लिख दिया था। अब मेरे को इसका डेरिवेटिव इसके रिस्पेक्ट करने लग गया तो बहुत लेंथी हो जाएगा, टिपिकल लिखूंगा कैसे मैं इसको। तो बच्चे ऐसे ही करें हम, क्या इसको लेट y इक्वल टू दिस रूट वन प्लस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स, और इसको हम z सपोज कर लेंगे, रूट वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स। अब आपको डेरिवेटिव करना है तो आप डेरिवेटिव दो तरीकों से कर सकते हो, एक तो फर्स्ट एक्सरसाइज के तरीके से कि पहले रूट का डेरिवेटिव करो फिर यू बाई बी से डेरिवेटिव करो, या लॉग लेके डेरिवेटिव कर लो, टेकिंग लॉग बोथ साइड
तो log y इज इक्वल टू log क्या आएगा 1 प्लस x अपॉन 1 माइनस x इसकी पावर हाफ, हाफ आके ले लेंगे तो हाफ log 1 प्लस x m अपॉन में n क्या जाएगा log m माइनस n, तो ये आ गया। आप डेरिवेटिव करो भाई, log y का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हाफ log 1 प्लस x का डेरिवेटिव करो तो 1 बाई 1 प्लस x और log 1 माइनस x करो तो 1 माइनस x इन टू अंदर वाला डेरिवेटिव क्या होगा माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब आप एलसीएम ले कर लोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से करना हमें, आपको इसको y, इसको z, फिर dy वाई बाई डी जेड। यदि आप इसका भी डेरिवेटिव करेंगे आप देखो बेटा तो लोग ले करते हैं या डायरेक्ट करते हैं वो आपकी च्वाइस है, ठीक है। तो इनको राइट डाउन कर लो आप, फिर देखते आगे। लेट मी स्टार्ट अंदर क्वेश्चंस, दीज आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कि हमने इसका डेरिवेटिव इसके रिस्पेक्ट करना है। तो जैसे हमें पता है जिसका डेरिवेटिव करना है उसको हम क्या मानेंगे वाई इक्वल टू कोस इनवर्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, इसके रिस्पेक्ट करना है तो जेड सपोज कर लो टेंजेंट इनवर्स थ्री एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन में वन माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। अब डेरिवेटिव करो बेटा, तो एक तो ये है कि पुट करिए, एक आपको फॉर्मूला ध्यान हो कोस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, ध्यान करो बेटा कोस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, ये होता है बेटा टू टेन इनवर्स एक्स का, किसका होता है ये टू टेन इनवर्स एक्स का, और यहाँ पर ये किसका होता है ये होता है थ्री टेन इनवर्स एक्स का। आप डेरिवेटिव करो तो सीधा, तो ये आएगा कितना आएगा डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा टू टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव वन प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे डी जेड बाई डी एक्स कितना हो जाएगा थ्री अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर, और डिवाइड कर दो तो टू बाई थ्री आंसर आ जाएगा। ऐसे बच्चे यहाँ पर साइन इनवर्स टू एक्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको हम क्या करेंगे सपोज को लेते हैं लेट y इक्वल टू दिस साइन वर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और z इक्वल टू ये सपोज कर लेते हैं हम टेन वर्स x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब बच्चे यहाँ पर देखिए 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो हम पुट करेंगे क्या करेंगे भाई लेट, ध्यान कीजिए आपको रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो क्या पुट करना चाहिए रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर हो, क्या करना चाहिए आपको साइन थीटा या कोस थीटा पुट करना चाहिए, तो हम क्या करेंगे y इक्वल लेट x इक्वल टू साइन थीटा पुट कर दिया, तो क्या हुआ बेटा y इक्वल टू साइन वर्स टू, यदि आप इसमें अलग करना पुट करना चाहते हो इसमें अलग पुट करना चाहते हो तो लिख दोगे आप इन फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट, अदरवाइज सिंपल चल जाएगा x इक्वल टू साइन थीटा तो टू साइन थीटा क्या आएगा वन माइनस साइन स्क्वेयर थीटा, क्या होता है वन माइनस साइन स्क्वेयर थीटा कोस स्क्वेयर थीटा, तो कोस स्क्वेयर का रूट जाएगा कितना आया कोस थीटा आ गया, तो साइन इनवर्स टू साइन थीटा कोस थीटा किसका फॉर्मूला होता है भाई साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है, तो साइन वर्स से साइन हट जाएगा भाई टू थीटा देगा, थीटा किसके इक्वल है साइन वर्स एक्स के, तो टू साइन इनवर्स एक्स, आप डेरिवेटिव कर दो भाई कर दोगे आप डेरिवेटिव, ऐसे यहाँ पर यही काम चल जाएगा एक्स का क्या करोगे आप साइन टप करिए तो जेड इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स से क्या कर दिया हमने साइन थीटा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कोस स्क्वायर रूट हट जाएगा कोस थीटा, तो टेन इनवर्स क्या आएगा साइन बाई कोस टेन देन थीटा,
टेन इनवर्स से टेन हट जाएगा, कितना आएगा थीटा, और थीटा किसके कुल है भाई, साइन इनवर्स एक्स के। अब डेरिवेटिव करके आपको डिवाइड करना है, यानी कि आप पहले डिवाइड कर दो आप, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा। सिमिलरली देखो ये है रूट वन प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस वन अपॉन में एक्स। अब ये रूट ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर है, तो हमें क्या करना चाहिए, एक्स इक्वल टू क्या पुट करना चाहिए, टेन थीटा या कोल्टा। तो आपकी च्वाइस है, आप टेन थीटा पुट कर दीजिए या कोल्टा। हम टेन थीटा पुट करते हैं। टेन थीटा क्यों आइडिया आया, एक तो ये फॉर्मूला होता है, यदि आप इसको जेड मानते हैं तो टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वेयर, किसका फॉर्मूला होता है भाई, या तो ठीक है नहीं तो एक्स का टेन टप करोगे आप, ये होता फॉर्मूला टू टेन इनवर्स एक्स का, टू टेन इनवर्स एक्स का। और यहाँ पर पुट करोगे आप एक्स इक्वल टू टेन टा, तो वाई इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स वन प्लस टेन स्क्वेयर थीटा, वन प्लस टेंजेंट स्क्वेयर थीटा माइनस वन अपॉन में टेन थीटा आ गया भाई। वाई इक्वल टू टेन इनवर्स वन प्लस टेन स्क्वेयर थीटा क्या होता है सेकंड स्क्वेयर, सेकंड स्क्वेयर रूट जाएगा ना आएगा सेकंड टा माइनस वन अपॉन में टेन टा आ गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस तरह से कर सकते हैं, इतना कर लीजिए, राइट डाउन कर लीजिए भाई आप। लेट मी स्टार्ट अंदर क्वेश्चन। टेन इनवर्स रूट वन प्लस ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर माइनस वन अपॉन में एक्स है, इसका हमने इसके रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करना है। तो वैसे ही पहले वाला क्वेश्चन था रूट वन प्लस एक्स स्क्वेयर था, यहाँ पर ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर है, तो आप पुट करेंगे लेट ए एक्स इक्वल टू टेन थीटा। ये आ जाएगा हमारे पास, आप देखिए भाई वाई इक्वल टू इसको हम वाई सपोज करेंगे बेटा इसको जेड, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था हमने। अब इसके अंदर देखिए ए एक्स को टेन टप कर लिया हमने, तो रूट वन प्लस क्या आएगा इसका स्क्वेयर है, तो टेन स्क्वेयर थीटा माइनस वन अपॉन में टेन थीटा आ गया बेटा। अब टेंजेंट इनवर्स क्या आएगा, वन प्लस टेन स्क्वेयर थीटा क्या होगा सेकेंड स्क्वेयर थीटा, सेकेंड स्क्वेयर का रूट जाएगा ना आएगा सेकेंड थीटा माइनस वन अपॉन में टेन थीटा आ गया। अब टेन इनवर्स क्या आएगा हमारे पास, एलसीएम में लीजिए तो ये आ जाएगा बेटा वन माइनस कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ये आ गया हमारे पास। और टेन इनवर्स वन माइनस कोस थीटा क्या होता है, टू साइन स्क्वेयर थीटा बाई टू अपॉन में टू साइन थीटा बाई टू कोस थीटा बाई टू, ये हमने पिछले वाले क्वेश्चन की तरह करना है। टू से टू कैंसिल हो गया, साइन से साइन कैंसिल हो गया, साइन बाई कोस क्या होता है टेंटा बाई टेन वर्स टेंजेंट थीटा बाई टू, टेन स्टैंड जगह है थीटा बाई टू। अब थीटा क्या लिखे यहाँ पा टेन वर्स ए एक्स, तो वन बाई टू टेंजेंट इनवर्स ए एक्स। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे भाई, इसका डेरिवेटिव कैसे करोगे भाई, जैसे इसको आप जेड मान लेते हैं टेन इनवर्स ए एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या होगा डी जेड बाय डी एक्स वन अपॉन में वन प्लस इसका स्क्वेयर ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर इंटू मानते हुआ डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा ए। तो ये आ गया हमारे पास, ऐसे इसका आ जाएगा बेटा, तो ये वन बाई टू को इससे डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा वन बाई टू आंसर आ जाएगा। ऐसे बच्चे ये यहाँ पर ये पिछले ये सारे हमने थर्ड एक्सरसाइज में भी किए हैं और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर में भी किए हैं, तो आप उसको कर सकते हो। जैसे बेटा यहाँ पर है तो इसमें हम क्या करेंगे लेट एक्स स्क्वेयर को आप कोस थीटा सपोज कर लोगे, तो यहाँ पर क्या देगा बेटा वाई इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स वन प्लस कोस थीटा माइनस वन माइनस कोस थीटा अपॉन में रूट वन प्लस कोस थीटा
प्लस वन माइनस कोस थीटा। अब इसको आप कर लीजिए सोल्व। ऐसे यहाँ पर ये किसका होता फॉर्मूला, ये होता बेटा टू टेन इनवर्स एक्स का, किसका होता है ये टू टेन इनवर्स एक्स का। इसको हम जेड सपोज करते हैं तो साइन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर है, तो ये किसका फॉर्मूला होता है टू टेन इनवर्स एक्स का। अब डेरिवेटिव कर दोगे आप, हमें कंडीशन ध्यान करने की जरूरत नहीं है, वो अंडरस्टूड है, इसलिए यदि आपको कंडीशन दे रखी हो तो ही अप्लाई करनी है, अदरवाइज करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कसते हो आप। तो ये करना आपने, राइट डाउन कर लो। लेट यू स्टार्ट अदर क्वेश्चन। लेट इसका लॉग टेन एक्स का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट करना हमने, तो हम इसको वाई सपोज करते हैं लॉग टेन एक्स, और इसको हम सपोज करते हैं जेड। अब बेटा यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया, डी वाई बाई डी एक्स आएगा लॉग टेन एक्स का डेरिवेटिव, तो लॉग ए एक्स का डेरिवेटिव होता है वन अपॉन में एक्स इन टू लॉग टेन ई। क्या हमारे पास ऐसे dz जेड बाय डी एक्स कितना देगा 2x। अब आप इसको इससे डिवाइड कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा। ऐसे बेटे यहाँ पर लेट y इक्वल टू x की पावर साइन इनवर्स x है और z इक्वल टू साइन इनवर्स x है, तो इसका डेरिवेटिव कैसे करोगे बेटा, तो हम क्या करेंगे पावर वेरिएबल की पावर वेरिएबल में, तो कैसे करोगे ध्यान करो, वेरिएबल की पावर वेरिएबल में सिक्स एक्सरसाइज में किया था हमने, क्या टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो लॉग लेके करोगे लॉग वाई इक्वल टू लॉग एक्स साइन वर्स एक्स। अब आगे ले लीजिए लॉग वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स इंटू लॉग एक्स। आप डेरिवेटिव करो तो लॉग वाई का डेरिवेटिव क्या होता है वन बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन वर्स एक्स एट इज, लॉग एक्स का डेरिवेटिव करो कितना है वन बाई एक्स प्लस लॉग एक्स एट इज साइन वर्स एक्स का डेरिवेटिव करो कितना आएगा वन बाई रूट वन माइनस एक्स के। अब ये डिवाइड में वाई है तो इंटू मिली आइए, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास डी वाई डी एक्स कितना आएगा y, y किसके इक्वल है x की पावर साइन वर्स x इंटू में साइन वर्स x अपॉन में x प्लस log x अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वेयर। और ये dz by dx करोगे तो सिंपल आ जाएगा कितना आएगा dz by dx वन अपॉन में रूट वन माइनस एक्स स्क्वेयर। अब आप इसको इससे डिवाइड कर दीजिए यानी कि डी वाई बाई डी जेड क्या आएगा, डिवाइड करो तो ये ऊपर चल जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा रूट वन माइनस एक्स स्क्वेयर एक्स साइन वर्स एक्स इंटू में ये सब एट इज। तो इस तरह से कर लोगे आप। थैंक यू, आज इतना ही करेंगे हम, कल करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज डबल डेरिवेटिव। ओके, स्टे होम स्टे सेफ।